हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाद टेस्ट में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी जो कि आयरन और प्रोटीन से भरपूर है। और आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल पालक ढोकला। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बनके तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे जितने भी रेसिपीज आए, जितने भी वीडियोज आए, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मूंग दाल पालक ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साबुत मूंग दाल 1 कप लिया है, 1/4 कप चावल लिया है, वही चावल है जिसे हम इडली और डोसा बनाते हैं। और इसे पानी डाल के हमें भिगो के रखना है। मैंने ओवरनाइट रखा है इसे, आप 5 से 6 घंटे तक रख सकते हैं। मुझे इसे सुबह को बनाना था इसलिए मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। सुबह तक चावल अच्छे से फूल चुकी है, इसमें पानी डाल के रख लूंगी। और उसके बाद हमें और एक तैयारी करनी है, वो है पालक। पालक को हमें ब्लांच करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे मेरे पास 1 बंच पालक है, लेकिन इस रेसिपी के लिए मुझे 1/2 बंच पालक चाहिए। तो मैं पालक को कट कर लेती हूँ रूट्स को। उसके बाद यहाँ से 1/2 बंच मैं पालक ले रही हूँ। और इसे मुझे क्या करना है, अच्छे से पानी से धो लेना है। मैंने 4 से 5 बार इसे अच्छे से पानी से धो लिया है, जो भी धूल मिट्टी है उस सबको अच्छे से साफ करना है। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बहुत ही हेल्थी रेसिपी है, रिच इन आयरन एंड प्रोटीन। यहाँ पे मैंने पालक को 4 से 5 बार अच्छे से धो लिया है, जो भी धूल मिट्टी है एकदम से साफ कर लिया है। इसे मैं रफली चॉप कर लूंगी। अभी हमें इसे ब्लांच करना है, उसके लिए मैंने पानी को गर्म कर लिया है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें पालक इसमें ऐड करना है। इसे हमें ज्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने इसे बॉईल किया है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया, उसके बाद इमीडिएटली मैंने इसे पानी से निकाल लिया है। एक उबाल इसमें आ जाए उसके बाद हमें इमीडिएटली हमें निकाल लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक उबाल आ चुका है। उसके बाद मैंने पालक को इमीडिएटली निकाल लिया है और उसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। निकालने के बाद आप आइस कोल्ड वाटर में इसे डिप कर सकते हैं ताकि इसका जो ग्रीन कलर वो रिटेन रहे। मैंने यहाँ को आइस कोल्ड वाटर में इसे डिप नहीं किया है क्योंकि उसके बाद ठंडा करके मुझे मिक्सी के जार में इसे पीस लेना है, इसलिए मैंने आइस कोल्ड वाटर में इसे डिप नहीं किया है। आप चाहे तो ये प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पालक का कलर इसमें हल्का सा चेंज हो चुका है, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का हो गया है। उतना तक ही हमें इसे बॉइल करना है। मैंने एक बर्तन में इसे निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। अभी मूंग दाल और चावल को पीस लेंगे, उसके लिए मैंने ग्राइंडर के जार में सोक किया हुआ चावल और दाल ले लिया है। थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, लगभग 1/4 कप, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, थोड़े से धनिया की पत्ती। उसके बाद ऐड करेंगे 1/2 कप दही। उसके बाद ऐड करेंगे ब्लांच किया हुआ पालक। इसको पीस के हमें इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। हमें ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है, थोड़े से पानी में ही ये अच्छे से पीस के तैयार हो जाता है। बैटर को पीस के तैयार कर लिया है, इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद हमें और कुछ इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना पड़ेगा और सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हींग इसमें ऐड करना है, इससे काफी अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इंस्टेंट ढोकला है, इसके लिए इसको फुलाने के लिए हमें फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले हमें स्टीमर को रेडी करना है। उसके लिए मैंने कढ़ाई में एक प्लेट को रख दिया है, आप चाहे तो स्टैंड रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके गर्म होने के लिए रख देंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने यहाँ पे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। सारी चीजें मैंने पहले प्रिपेयर करके रख दिया है क्योंकि फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद हमें इमीडिएटली उसे स्टीम करना होगा। यहाँ पे मैंने 5 ग्राम फ्रूट सॉल्ट इसमें ऐड कर लिया है। अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। बाउल थोड़ा सा छोटा हो गया, इसके लिए बाउल से गिरने लगा था, तो इसी के लिए अब थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले ताकि अच्छे से मिक्स कर पाए, क्योंकि फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद बहुत ज्यादा फूल जाता है। तो इसे मैंने बेकिंग ट्रे में ट्रांसफर कर लिया है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर लिया है। उसके बाद हमें इसे स्टीम कर लेना है। स्टीमर हम लोग का रेडी है। अभी मैं स्टीमर के अंदर में बेकिंग ट्रे को रखूंगी। इसे कवर करके हमें 15 से 20 मिनट तक हमें इसे स्टीम करना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसको फर्मेंट करने के लिए भी हमें रात भर इसे नहीं रखना है। ये इंस्टेंट ढोकले की रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में आप इसे बनाना चाहते हो तो रात को ही सारी दाल और चावल को भिगो के रख देना है। बस इतना ही प्रिपरेशन हमें करना है, बाकी सब जो है बहुत ही आसानी से सुबह को हम जल्दी से बना सकते हैं। अगर आप इसे कोई और टाइम पे खाना चाहते हो तो सिर्फ 5 से 6 घंटे तक हमें चावल दाल को भिगोना है और उसके बाद आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे ढोकला स्टीम होके रेडी हो चुका है। मैंने इसे 15 मिनट के लिए स्टीम किया था। बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी बनके तैयार हुआ है और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसके साइड्स अपने आप ही निकल गए हैं। उसके बाद क्या करना है, मुझे नाइफ के हेल्प से
इसके साइड्स को हमें अलग कर लेना है ताकि ये आसानी से डीमोल्ट हो जाए। उसके बाद उसी नाइफ से मैंने इसे कट कर लिया है। नाइफ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी रहता है, इसी के लिए ऑयल लगाने से ये बहुत ही अच्छे से कट होता है। अब कोई भी शेप में, छोटे या बड़े शेप में, जैसे भी आपको पसंद हो आप इसे कट कर सकते हैं। इसको कट करने के बाद इसके ऊपर हमें लगाना है तड़का, और तड़का को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें ऐड करना है 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि राई। जैसे ही थोड़ा सा राई चटकने लगे इसके बाद हमें ऐड करना है करी पत्ता यानी कि करी लीव्स। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1/4 teaspoon हींग, और उसके बाद इसमें डालेंगे सेसमे सीड्स 1 tablespoon। एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें तिल डाला है, तिल भी थोड़ा सा चटक जाए तो हम लोग का तड़का बनके तैयार है। इसे हमें ढोकले के ऊपर में अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है, और तड़के से ढोकले का जो फ्लेवर होता है, जो टेस्ट होता है, काफी एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। स्प्रेड करने के बाद हमें इसे गार्निश करना है कोरिएंडर लीव से और ग्रेटेड कोकोनट से, और मूंग दाल पालक ढोकला बनके तैयार है। और आपने देखा कि इसको बनाना कितना आसान है, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बनके तैयार हुआ है, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको ढोकला खाना बहुत पसंद है तो इस हेल्दी ढोकले को भी आप एक बार जरूर ट्राई करें, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। ढोकला तो बनके तैयार हो चुका है, लेकिन मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बनके तैयार हुआ है, इसका टेक्सचर कैसा है। जब मैंने इसे कट किया था आपने देखा कि ये कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है, लेकिन इसका टेक्सचर कैसा है तो एक पीस मैं आपको निकाल के जरूर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक पीस निकाल लिया है, और कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो गया, कितनी आसानी से ये पीस निकल के आ गया है। आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली बनी है ये ढोकला, और एकदम जालीदार टेक्सचर है इसका, एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी। अगर आपको ये हेल्दी मूंग दाल पालक ढोकले की रेसिपी अच्छा लगा है तो आप घर पर इसे जरूर ट्राई करें, एंड डू शेयर दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अनदर रेसिपी।